तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू वीडियो को बनाएंगे। सो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो बनाना चाहते हो ना, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को हम लाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। सो अगर आप लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो ना, सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, सो बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग के तरफ। गाइस, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस, सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ, इस वीडियो का जो ऑडियो है ना, वो आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि ये ऑडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने न्यू माइक, जो कि मोवो कंपनी का है। इसका प्राइस अराउंड 56 रुपीज़ मेरे को पड़ा है। मैंने ऑर्डर किया, मेरा जो ओल्ड माइक था वो ख़राब हो गया था। तो आप लोग मेरे को इसका ऑडियो क्वालिटी बताना, पहले के माइक से सही है या पहले के माइक से मतलब बैड। तो अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर से शेयर करना। सो गाइस, अब बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। गाइस, वीडियो एडिट करने के लिए आपको सबसे पहले लाइट मोशन ऐप में आना है एंड प्लस पे क्लिक करके एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है 916 का साइज में। ओके, अब प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है यहाँ पे एंड मीडिया वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है। तो जो भी फोल्डर में आपका फोटो है, सिंपली आपको अपनी फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। तो फोल्डर यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको एक फोटो एड करना है, ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर कंपोजिशन एरिया करना है, शेयर का आइकन पर क्लिक करके करंट फ्रेम HPNG में स्पोर्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना है, आपके सामने ऑप्शन आएगा सेव करके, आपको सेव पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से बैक आना है, इस फोटो को सिलेक्ट करके डिलीट करना है एंड प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है, फिर से आपको नेक्स्ट फोटो को ऐड करना है। ओके, फोटो ऐड करने के बाद ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर कंपोजिशन एरिया करना है। मेरे को ये फोटो ऐड नहीं करना है, इसका क्वालिटी ठीक नहीं लग रहा मेरे को। ओके, तो फोटो ऐड करना है, ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर कंपोजिशन एरिया करना है, शेयर का आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम HPNG को सिलेक्ट करके यहाँ पे स्पॉट पे क्लिक कर देना है। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसी प्रकार से आपको टोटल 5 फोटो को क्रॉप करके सेव कर लेना है। कितना फोटो? 5 फोटो। मैंने 2 फोटो को क्रॉप कर लिया और मैं यहाँ पे 3 फोटो को क्रॉप करके ना सेव कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो आप भी अपनी फोटो को यहाँ पे क्रॉप करके सेव कर लो। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने 5 फोटो को क्रॉप करके आप सेव कर लिया। अब यहाँ से आपको बैक आ जाना है और बीटमार प्रोजेक्ट को सिंपली ओपन कर लेना है। तो जैसे आप बीटमार प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखो क्या करना है। सबसे पहले आपको शुरू में ऊपर 2 लेयर दिखेगा जिसमें लिखा हुआ 8 फोटोज, आपको इस लेयर पर क्लिक करना है और कलर एंड फिल वाले आइकन पर क्लिक करके इस टैक्स पर क्लिक करना है। ओके, और गाइस यहाँ पे आपको ऊपर अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है और जो आपने फोटो को क्रॉप किया है उसमें से किसी एक फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, फोटो सिलेक्ट करने वाला ऊपर प्लस पे क्लिक करना है एंड फिर से उसके नीचे वाले लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके इस टैक्स पे क्लिक करना है और वही सेम फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो 2 लेयर है, दोनों लेयर में आपको सेम फोटो को एड करना है। ओके, इस प्रकार से मैंने एड किया है। ओके, एंड अब स्लाइड करके आपको आगे आना और आगे में आपको ग्रुप दिख जाएगा, तो आपको पहले ग्रुप पे क्लिक करना है, एडिट ग्रुप वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे इन 4 लेयर्स में आपको फोटो एड करना है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा फोटो तो है नहीं, मतलब ज़्यादा लेयर तो है नहीं, तो सिंपली आपको करना क्या है, लेयर पर क्लिक करके कलर एंड फिल पर क्लिक करना है, टैक्स पर क्लिक करना है और फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पर क्लिक कर देना है। तो आपने जो बाहर में फोटो एड किया था, उस फोटो को छोड़ के किसी और फोटो को एड करना, लेकिन जिस फोटो को भी ऐड कर रहे हो सभी फोटो मतलब सभी लेयर्स में आपको एक ही फोटो यूज करना है। ओके, तो इन 4 लेयर में आपको वही सेम फोटो को ऐड करना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो आपको लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके टैक्स पे क्लिक करना है और जो भी आपका फोटो है उसको सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से तो इन 4 लेयर में मैंने सेम फोटो को ऐड कर दिया, आप लोग जैसे मतलब देख सकते हो। अब यहाँ से आपको बैक आना है एंड जो है दूसरा ग्रुप में आ जाना है। ओके, तो यहाँ पर दूसरा ग्रुप पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पर क्लिक करना है। तो सेम यहाँ पर भी आपको 4 लेयर दिख जाता है, तो आपको लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके इस टैक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। ओके, इस बात का आप ध्यान रखना कि गाइस आपको सभी ग्रुप में अलग अलग फोटो को यूज करना है। ओके, और हाँ, मतलब सभी ग्रुप में अलग अलग फोटो यूज करना है और एक ग्रुप में 4 लेयर जो रहेगा, 4 लेयर्स में आपको सेम फोटो एड करना है। ओके, और फोटो इस प्रकार से ऐड करना है जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। आपको लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके इस टैक्स पे क्लिक करना है और वही क्रोपेड फोटो में से किसी एक फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक करना है। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने इन 4 लेयर में भी सेम फोटो को ऐड किया है। तो फिर इस ग्रुप से बैक आ जाना है और आपको आगे स्लाइड करके जाना है और तीसरा ग्रुप में आ जाना है और एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है और इन 4 लेयर में भी आपको कोई फोटो को मतलब कोई एक फोटो को ऐड कर लेना है, जो भी आपका क्रोपेड फोटो है। तो आपको सभी ग्रुप में फोटो चेंज करते जाना है, लेकिन जो एक ग्रुप के अंदर जितना भी लेयर है, 4 लेयर, इनमें फोटो सेम ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें मैंने फोटो तो चेंज किया है, बट यहाँ पे जो 4 लेयर, इन 4 लेयर में यहाँ पे सेम फोटो को ऐड कर रहा हूँ।
तो फोटो किस प्रकार शेयर करना ये भी मैंने आपको बता ही दिया है, तो आई होप कि आपको सब समझ में आ ही गया होगा। ओके सो गाइस, अब आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आके फिर लास्ट ग्रुप में जाना है, और उसी प्रकार से इसमें तीन ही फोटो लगेगा, तो आपको इन तीनों फोटो में अपना जो लास्ट वाला इमेज है उसको यूज कर लेना है, यानी कि एड कर लेना है। तो लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके टैक्स पे क्लिक करना है, और फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक करना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे फोटो ऐड कर लेना है। तो इसी प्रकार से मैंने आपको बताते बताते सभी फोटो को ऐड कर लिया आपके सामने। तो गाइस फिर यहाँ से आपको बैक आना है, और इसे कि फिर प्रीसेट को ओपन करना है, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है, ऊपर के तीन लेयर को सिलेक्ट करके इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, कॉपी थ्री लेयर कर लेना है, फिर यहाँ से बैक आना है, बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है। सो गाइस आपको शुरू में ही इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, डब्ल्यू आइकन पे पेस्ट थ्री लेयर करना है, सिलेक्ट करके लास्ट में चले आना है। ओके एंड यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर रखना है, ऊपर के तीन लेयर इन तीनों लेयर को सिलेक्ट करना है, इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, इसका जो लेंथ है लास्ट तक लेके आ जाना है। ओके तो जैसे इतना कर लेंगे आपकी वीडियो कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगी। अब आपको ऊपर शेयर का आइकन पे क्लिक करना है और अपनी वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।